आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी और अचार के मसाले से पराठा। मतलब कि मेरी रात की थोड़ी सी खिचड़ी बच गई थी, तो मैंने उसके अंदर मिलाया अचार खिचड़ी के अंदर और मैंने पराठा बनाया। मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी पराठा बना रही थी, तो मुझे पराठे अच्छे लगे तो मैंने कहा लाओ मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। तो अब मैं इसमें खिचड़ी में अचार का मसाला एक चम्मच के करीब मैं मिला रही हूँ। थोड़ा अगर आप और चटपटा खाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा भी मिला सकते हैं। नमक वगैरह इसमें मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक होता है खिचड़ी में। तो इसमें मैंने ये बनाया, फिर मैं इसको आटे को लेके, आटा मेरा गुथा हुआ था, नमक थोड़ा डाल के गूथ रखा था, तो उसके अंदर मैं भर के, ये देखिए मैंने ये थोड़ा छोटी लोई करी है और ये फिर इसके अंदर अचार मिली हुई खिचड़ी, क्योंकि अचार का पराठा तो सभी खाते हैं, मार्केट में मिलता भी है और हम लोग कई लोग घर में भी बना लेते हैं अचार ही पराठा, लेकिन ये मैंने खिचड़ी विद अचार का पराठा बनाया तो मुझे टेस्टी लगा, तो मैंने कहा लाओ इसकी वीडियो ही बना ली जाए ताकि और तक भी ये पहुँचे और भी बना सकें। जैसे हमें कभी कुछ खाना नहीं होता तो चाय के साथ हम ये पराठा खा सकते हैं आराम से। तो ये इसको अब मैं बेल रही हूँ, थोड़ा सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा लेंगे और इसको हल्के हाथ से हम बेलेंगे। तो ये देखिए ये मैं इस तरह से बेल के और मैं तवे पे इसको सेकूँगी। अब ये देखिए ये मैंने उठा लिया है, अब मैं तवे पे डालूँगी। ये देखिए मैंने तवे पे डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा, मतलब कि तेज आंच पे पहले इसको करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पराठे बना रही थी जैसा कि मैंने बताया, तो मेरा तवा ऑलरेडी गर्म था। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ, अब ये देखो इस सिक जाएगा एक साइड से। अब मैं इसको पलटूँगी, ये देखिए ये मैंने पलटा, ये हमारा यहाँ पे सिक गया है थोड़ा सा। अब मैं घी लूँगी, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं रिफाइंड ऑयल में, लेकिन मेरे घर में देसी घी यूज़ होता है तो मैं देसी घी ही इस्तेमाल करती हूँ हर खाने में, तो मैं देसी घी से ही इसको सेकूँगी क्योंकि खिचड़ी भी देसी घी से बनी हुई है और पराठा भी मैं देसी घी से सेक रही हूँ। वो ये होता है कि दोनों चीज़ अगर एक ही घी से सेको तो, या तेल से सेको या आप घी से करो, तो दोनों एक से होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल बढ़िया से कुरकुरा होने तक, ये पराठा जो मैं बनाती हूँ ये इतना थोड़ा करारा हो जाता है, कुरकुरा हो जाता है खिचड़ी का पराठा, तो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ रही है बनाते बनाते, मतलब कि मन कर रहा है बस एकदम खा लो, क्योंकि अचार मिला हुआ है इसमें अचार का मसाला और इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है खुशबू के, जैसे अचार बन रहा है पक रहा है। तो ये मैं इस तरह, मैंने कहा आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करूँ मैं। ये देखिए और भी बहुत तरीके के पराठे बनते हैं, आप आइए हमारे चांदनी चौक गली पराठे वाली, आपको इतने तरह के पराठे मिलेंगे खाने के लिए कि आपने नहीं खाए होंगे इतने पराठे, जो हर वैरायटी का वहाँ पे पराठा बनता है। कुछ कुछ पराठे मैं भी बना लेती हूँ गलती से, अच्छे अच्छे पराठे वहाँ के, क्योंकि मैं वहीं की हूँ चांदनी चौक की, तो वो टेस्ट मेरे हाथों में आता है जो मैं वहाँ पे मिलते हैं पराठे चांदनी चौक में। कभी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी उसकी, वहाँ पे मॉर्निंग का नाश्ता बहुत ही बढ़िया मिलता है, कभी आप जाओ मॉर्निंग में तो आप नाश्ता ज़रूर करें वहाँ का। नए वास में आपको पूरी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे मतलब कि सुबह का मॉर्निंग का नाश्ता इतना टेस्टी होता है कि मतलब कि मन करता है कि हर बार खाते रहो, बस हर बार जाओ डेली खाते रहो। आइए देखिए मेरा यहाँ पराठा भी बातों ही बातों में पराठा मेरा सिक गया, थोड़ा करारा सेकेंगे तो ज़्यादा कुरकुरापन रहेगा, अच्छा लगेगा खाने में, क्रंचीपन आएगा,
अब मैं इसको देखिए यहाँ पर ना ये मेरा सिक गया है, कुरकुरा हो गया। अब मैं इसको बीच में से जैसे हम पिज़्ज़ा में कट डालते हैं, या तो आप पिज़्ज़ा कटर से, नहीं तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही बना लेती हूँ। मैं पिज़्ज़ा कटर तो पिज़्ज़े के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने कट डाल दिया है। अब मैं इसको प्लेट में डाल लूँगी। ये देखिए मैं सच बताऊँ मुझे कुकिंग की ना वीडियो बनानी नहीं आती है। जैसे ये मैं नॉर्मल अपना घर में खाना बनाती हूँ, मैं वैसे ही आपको वीडियो बना के मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब मैं इसमें अमूल का मक्खन डाल रही हूँ, क्योंकि बिना मक्खन के पराठे हैं बेकार। तो जो और भी टेस्ट है इसका अमूल मक्खन के साथ और भी बढ़िया लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो इंजॉय करिए चाय के साथ, दही के साथ, आप अचार के साथ भी इसको ले सकते हो। ऑलरेडी इसमें अचार का मसाला डला हुआ है, चाय के साथ भी ले सकते हो। और बच्चों के टिफ़िन में रखने के लिए बहुत अच्छी है, रेसिपी बहुत बढ़िया है, आप बच्चों को भी दिया। ये बताइए आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी मेरे नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।